अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी अंगूरों का जूस। घर में बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं। अंगूर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसके अनगिनत फ़ायदे हैं जो कि हम बयान नहीं कर सकते। आप लोग एक बार ये जूस पीकर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा और जितनी भी सर दर्द है, थकान है, गर्मी है, वो सारी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आइए चलते हैं, आज मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। बहुत सिंपल है। तो अंगूर है मेरे पास, इनको वाश कर लिया अच्छे तरीके से, इनकी डस्ट वगैरह सारी हमने साफ़ कर लेनी है। तो इनको अच्छे तरीके से हम एक अलहदा से बोल ले लेंगे। तो उसके अंदर इसको हम एक एक करके इसका जो ये देखिए इस तरीके से हम इसको तोड़ते जाएंगे। तो इसको सारा अच्छे तरीके से हम अलहदा कर लेंगे डंडी से। तो इसके बाद हमने क्या करना है, मैं आपको पूरा तरीका बताती हूँ। अंगूर माशाल्लाह मैंने साफ़ कर लिए हैं, तो अब इसको हम जल्दी से तरीका इसका मैं बताती हूँ। बहुत मज़े के अब ये आपका बनेगा अंगूरों का जूस, जो है आप लोग घर में बनाकर पिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इससे ग्लूकोज की कमी दूर होती है। बच्चों को बनाकर दें, आप एक गिलास बनाना चाहते हैं तो उतने अंगूर आप ले लें। मैं इसके अंदर ये एक गिलास जो है पानी का डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप लोग ज़्यादा पानी इसके अंदर ऐड कर दें। थोड़े से आइस के क्यूब डाल दूँगी, बर्फ़ डालेंगे हम, और इसके अंदर मैं चीनी बिल्कुल नहीं ऐड करूंगी। बस इसको अब हम ब्लेंड करते हैं। आप लोग थोड़ी सी खटास के लिए इसके अंदर चीनी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से करूंगी। हमारा माशाल्लाह से अंगूर का जूस बिल्कुल रेडी है। देखिए आप इसको छान कर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से इसको इस्तेमाल करूँगी। इसके जो छिलके हैं वो साइड पर नीचे आ जाएंगे। तो बहुत माशाल्लाह से ये मज़े का बनेगा, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। और अब इसके अंदर थोड़े से आइस क्यूब हम डालेंगे। तो आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी, और ज़्यादा ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया, जल्दी से बेल आइकन का बटन दबाएं और लाइक वीडियो को करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।